नमस्कार। अगर आपको BGMC करना है या 12th के बाद जर्नलिज्म का कोई सा भी कोर्स करना है, खासकर हिंदी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सबसे बढ़िया कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। उसमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है, फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कि आपके पास कॉन्टेंट नहीं, कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे क्या। तो क्योंकि आपने जस्ट 12th पास करा है, 12th में ऐसे कोई सब्जेक्ट थे भी नहीं, तो ये आपका लाजमी है ये सवाल उठना। तो अब आप बुक्स ढूंढेंगे तो उसके लिए आपके पास कोई सी भी बुक्स ऐसी अवेलेबल नहीं है जो स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए बनी हुई हो। तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही कि पढ़ें क्या, तो उसका सॉल्यूशन हम लाए हैं और हम एक तरह से आपके सामने क्वेश्चन बैंक आपके लिए लाए हैं। तो इसमें आपके लिए क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मॉडल प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल दिए गए हैं। तमाम सारे आप YouTube पे सर्च करोगे या इवन इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये मैं मान रहा हूँ कि आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इवन कुछ वेबसाइट्स हैं वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, हर प्रश्न पत्र 30 रुपये का सेल करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट ए के क्वेश्चन पेपर पाओगे, पार्ट बी के आप क्वेश्चन पेपर नहीं पा रहे हो। तो इसमें हम आपके सामने 2018, 2019, 2020 इन तीनों के पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों के प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा 2020 का जो भी प्रश्न पत्र है उसका पूरा सॉल्यूशन है पार्ट ए और पार्ट बी का। आप उसको देख के ये समझ पाओगे कि किस आधार पे 2021 के जो भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, वो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जो भी टिप्स हैं जिनको आप पढ़ के सेवेंथ के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो वो सारी टिप्स भी आपके साथ इस ई संस्करण में शामिल की गई हैं, जिसे आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, इजिली क्रैक कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा मैं एक और दावा कर रहा हूँ कि इसमें 7 मॉडल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। देर आर 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2021 जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी कोर्स के लिए। 7 प्रश्न पत्रों को आप कायदे से पढ़िए, उनका हल निकालने की कोशिश करिए। मैं आपको ये आज गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वो जो कि प्रस्तावित है सितंबर में, 30 सितंबर के आसपास है, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आज ये दावा कर रहा हूँ कि 50% कम से कम आप क्वेश्चन पेपर आपका मैच हो जाएगा इस जो 7 मॉडल पेपर दिए हैं इस ई बुक में उससे। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर यही इतना 105 पृष्ठ जो आपको यहाँ 50 रुपये में मिल रहे हैं उपकार अरिहंत जैसे पब्लिकेशन ने इसी को प्रकाशित किया होता तो कम से कम 200 से 300 रुपये के आसपास कम से कम इसका मूल्य होता, क्योंकि इस समय मास कम्युनिकेशन की जितनी आप बुक्स पाओगे बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है एक तरह से। मैं तमाम सारी बुक्स इसके पहले भी देख चुका हूँ, उसमें क्या होता है कि वो मास कम्युनिकेशन एंड जनसंचार एंट्रेंस एग्जाम गाइड करके 2-3 बुक्स आ रही हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वो एक ही बुक को दे दे रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, IP यूनिवर्सिटी के लिए और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर तीनों यूनिवर्सिटी का पैटर्न एकदम अलग है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो एक ही बुक से आप कैसे पढ़ पाओगे, क्योंकि एक बुक में वो किस हिसाब से देंगे। इवन जामिया मिलिया इस्लामिया का तो पूरा प्रश्न पत्र हिंदी में ही आता है, तो आप किस तरह से उस अंग्रेजी बुक पे विश्वास कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, फिर से बता रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हम आपको पाठ्य सामग्री नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 7 मॉडल पेपर हैं जो 2021 में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें पार्ट बी के भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं। और अगली बात मैं सबसे ज़्यादा आपको लाइमलाइट में यह लाना चाहूँगा, जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आता है सिर्फ और सिर्फ 40 अंक का और पार्ट बी आता है अकेले आपका 60 अंक का। पार्ट बी में क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस आधार पर होते हैं, कितने मतलब कुल 60 अंकों के होते हैं, लेकिन आपको किसमें कितने शब्द सीमा रखनी है, कितने वर्ड्स लगभग लिखने हैं, तो ये सारा कुछ आप इस बुक से आपको आइडिया लग जाएगा। एक और बात, पिछले वर्ष लगभग इसकी कट ऑफ 48-49 के आसपास गई थी जनरल के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आप पढ़ोगे तो इतना तो मैं कह दे रहा हूं कि अगर आप इससे पूरा पूरा आइडिया लोगे और सारा कुछ समझने की कोशिश करोगे, ऐसे क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करोगे, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हो, अगर कट ऑफ इस वर्ष पिछले वर्ष में बहुत अंतर नहीं रहा तो। तो ये चीज़ है, आप एक बार लेके देखिए, 50 रुपये आजमा के देखिए, क्योंकि आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम निकल जा रहा है तो 7,000 रुपये में आपके देश के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे एक साल पूरा पूरा, आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 फीस में आप पढ़ पा रहे हैं। किसी भी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ भी 20-25 हज़ार एवरेज इसकी फीस होती है, प्राइवेट में जा रहे हैं तो 60-70 हज़ार पर ईयर की होती है। अब आप इस ई बुक को पाएंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, तो वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक मिल जाएगा आपको, इवन मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ मैसेज कर दें अगर कुछ नहीं इशू आ रहा है तो। उसके अलावा एक लिंक आप खोलोगे तो एक नया पेज खुलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एक तरह से पेज खुल गया है, ये हमारी वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे यही आपके सामने पेज खुल के आएगा, तो इस पर आप यहाँ पे बाय नाउ या एक तरह से आपको लिस्ट मिलेगी, इसमें आप सबसे नीचे जाएंगे टू बाय, क्लिक हेयर पे अगर आप करते हो क्लिक,
तो आप क्लिक हेयर पे करते हो क्लिक, तो एक नया पेज खुल जाएगा आपको, जहाँ से आप पेमेंट करके वो चीज़ें डाउनलोड आप कर पाओगे। यहाँ से देखिए आप नीचे यहाँ बाय नाउ पे करेंगे क्लिक, 50 रुपये इसका चार्ज रखा गया है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लग के लगभग 57-58 रुपये बैठ सकते हैं। तो आप यहाँ से आप अपना नेम और ईमेल आईडी वगैरह डाल के रिव्यू एंड पे आप करोगे क्लिक, तो वहाँ से आप पेमेंट करके आप ये चीज़ें डाउनलोड कर पाओगे। एक चीज़ मैं और फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये हेल्पफुल साबित न हो, आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप दोबारा इस वीडियो पे आ सकते हैं, डिसलाइक मार सकते हैं और इवन अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको पहले कह दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक दावा कर रहा हूँ एक तरह से कि आपके लिए हेल्पफुल होने ही वाली है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा नीचे है, कोई भी आपको इसमें समस्या आ रही, तकनीकी सहायता चाहिए, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया बीए मास मीडिया से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज हम आपकी सॉल्व करते आए हैं पिछले 1-2 वर्षों से, आपको उसके लिए बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध कराते आए हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां अपडेट और सारा कुछ आपके लिए प्रोवाइड कराते आए हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए भविष्य में भी, क्योंकि हम आप तक वो चीज़ें उपलब्ध कराते रहेंगे। और फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।